अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम जो है हमने ये डीएम का चैप्टर 12 सिंथेटिक पॉलीमर स्टार्ट किया था, और फर्स्ट वीडियो में जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और सेकंड में जो है फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। और ऐसा मैंने डिस्कस किया था, एक एक चीज़ जो है मैंने आपको बार बार रिवाइज़ करवाई, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली ठीक है, तो आके अगर इनिशिएटर या एक्टिवेशन या किसी चीज़ का भी जिक्र होगा ना, तो आपने अगर सेकंड लेक्चर एडिशन पॉलीमराइजेशन का देखा होगा और ये सारी टर्म्स जो है आपको इसका पता होगा, देन ही आप जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो आगे मैं पढ़ाऊँगी ठीक है। सो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, और ये सारे जो है हमने डिटेल में इसके जो फोर मेन स्टेजेस हैं, फर्स्ट एक्टिवेशन में क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, प्रोपगेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन किस तरह से होती है, सब जो है मैं डिटेल में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने जो है यहाँ तक पढ़ाया था आपको। अच्छा, मैंने इसके फैक्टर्स नहीं बताए थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया था, जस्ट इसके फैक्टर ही लास्ट वीडियो में मैं नहीं बता पाई, क्योंकि काफ़ी जो है लेंदी हो रही थी वीडियो ठीक है, और स्टूडेंट जो है मोस्टली मुझे कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाया करें ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं या इसको देखना देखेंगे किस तरह से ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। सो फैक्टर्स ठीक है, फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखें, फैक्टर विच हैन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिजल्टिंग पॉलीमर आर मॉलिक्यूलर वेट एंड द डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग ठीक है। जो फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालते हैं ठीक है हमारे रिजल्टिंग पॉलीमर्स पे, वो कौन कौन से हैं, वो फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट है, और सेकेंड क्या है, डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग या क्रॉस लिंकिंग। तो अब किस तरह से ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं, किस तरह से ये इन्फ्लुएंस डालते हैं। सो फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। तो विद इन एनी एडिशन पॉलीमराइजेशन ठीक है, सिस्टम एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन डायरेक्शन अकर साइमल्टेनियसली एंड द रिजल्टिंग पॉलीमर इज देयर फॉर कंपोज ऑफ चेन ऑफ वेरिंग लेंथ ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारे जो हमने जो फोर स्टेजेस डिस्कस किए थे ना, कि फर्स्ट एक्टिवेशन, फिर इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन, फिर टर्मिनेशन होता है ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, पहले मैं आपको पूरी रीडिंग करवा दूं कि इट्स पॉसिबल टू डिफाइन अ प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट फॉर पॉलीमर्स एंड दे आर नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड इन टर्म ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर। मतलब अगर आप किसी पॉलीमर का कभी भी जो है उनका एग्जैक्ट उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते, हमेशा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ही आप निकाल सकते हैं। क्यों, किस तरह से, क्योंकि खुद देखें एडिशन पॉलीमराइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो स्टेजेस है ना, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, रिएक्शन, ये सब एक साथ हो रहे होते हैं ठीक है, ये सब एक साथ हो रहे होते हैं। किस तरह से कि यार खुद सोचो, मोनोमर्स जो है वो तो मतलब हर जगह पे होते हैं ना। अब हर मोनोमर जो है, अब कोई पहली स्टेज पे होगा तो कोई तीसरी स्टेज पे होगा, कोई चौथी स्टेज पे होगा, तो इस तरह से मोनोमर्स जो है वो तो बिखरे पड़े होते हैं। तो इस वजह से जो है हमारे पास जो हमारा जो रिजल्टिंग पॉलीमर बनता है उसकी वेरिंग लेंथ होती है ठीक है, मतलब वो वेरी करते उसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती रहती है। इसी वजह से हम कभी भी एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट जो है किसी भी पॉलीमर का नहीं बता सकते, हमेशा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ही हम बताने के काबिल होते हैं ठीक है। सो होप सो कि आपको ये समझ आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं चेन ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग, ये दोनों क्या है, चेन ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग ठीक है। तो पढ़ते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जनरली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलीमर। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है ना, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा लास्ट वीडियो में, जो हमारा पार्ट टू था इस सिंथेटिक पॉलीमर की वीडियो का ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होती है ना, ये जनरली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलीमर। मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ठीक है। मतलब लीनियर पॉलीमर्स किस तरह से, जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब ये है कि कोई ब्रांच ना निकली हो, मतलब ये इस तरह से भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी पॉसिबल है, इस तरह से भी हो सकता है ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल मतलब स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई ब्रांचिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। ये इस तरह से होगा, कोई ब्रांच आपको दिख रही है कि यहाँ से कोई ब्रांच निकली हो? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस डज नॉट एम्प्लॉयड एट द चेन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये नहीं कि चेन जो है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन करे, बट सिंपली डेट देर आर नो ब्रांचेस ऑफ द मेन पॉलीमर, मतलब जो मेन पॉलीमर होगा ना हमारा, उससे कोई ब्रांचेस नहीं निकलेगी, ठीक है। एंड एट द चेन आर नॉट लिंक टुगेदर, और इस तरह से चेन जो है वो लिंक नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे। जाहिर सी बात है ब्रांचिंग नहीं होगी तो लिंकिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, चेन ब्रांचिंग में रिजल्ट इफ़ अ ग्रोइंग चेन, सॉरी मैं जो है एक्चुअली स्टैंड लगाना और उसको फिक्स करना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आज जो है ये मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से जो है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो क्योंकि एक तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ये जो वीडियोस है ये मैं अपनी फ्रेंड्स के कहने पे मैंने लास्ट टाइम उनको समझाया था लैब में, सो उनके जो है काफ़ी इसरार पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक तो मैं कॉलेज नहीं जा रही, वरना कॉलेज जाके भी मैं उनको समझा सकती थी, तो कॉलेज नहीं जा रही तो कम से कम उनके लिए वीडियो तो घर पे बना लूँगा। तो एक तो स्टैंड लगाने फ़िक्स करने में काफ़ी टाइम जो है मेरा लग जाता है, तो इस वजह से जो है मैंने कहा अभी मोबाइल जो हिल रहा है, सॉरी आपको परेशानी होगी लेकिन मेरे लिए आसानी है काफ़ी। अच्छा, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे चेन ब्रांचिंग, ठीक है, आपको समझ आ गई चेन ब्रांच मतलब किस तरह से जो है हमने ये पढ़ा कि एडिशन परमुटेशन में जो पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर लीनियर, मतलब वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं, मतलब इसका मतलब ये है जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, मतलब कोई ब्रांचेस नहीं निकली होगी, लिंक नहीं हुए होंगे, एक दूसरे से लिंक नहीं हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना है ये वाला पॉइंट, मैं एरो लगा दूंगा कि लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ज़्यादा एडिशन परमुटेशन में। एक्चुअली मैंने ये एक दफ़ा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, और ये सेकंड दफ़ा मैं वीडियो बना रही हूँ इसकी, ठीक है, तो वरना मैं अगर सेकंड दफ़ा ख़ुद रीड करती ना तो मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती तो काफ़ी अच्छा रहता, और अभी टाइम भी नहीं है, वो मिड टर्म्स होने वाले हैं, ठीक है, उसकी अलग टेंशन है, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे मुझे टेंशन है ऐसे मेरी फ्रेंड्स को भी टेंशन होगी, तो अगर मैं ख़ुद पढ़ रही हूँ तो पढ़ने के बाद वीडियो ज़रूर बनानी है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम, चेन ब्रांचिंग में रिजल्ट इफ़ अ ग्रोइंग चेन अंडर गो चेन ट्रांसफ़र विद अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। अच्छा, चेन ब्रांचिंग में का मतलब क्या है, ठीक है, चेन ब्रांचिंग के में रिजल्ट मतलब उसके नतीजे में क्या होता है, जो ग्रोइंग चेन होती है ना हमारी, जो ग्रो कर रही होती है, वो किस तरह से अंडर गो चेन ट्रांसफ़र विद अ पॉलीमर मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब वो अपनी चेन ट्रांसफ़र कर देती है, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ जो है अपनी चेन ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व टर्मिनेशन ऑफ द ग्रोइंग चेन, फिर क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि फिर क्या हो जाएगी उसकी, उस ग्रोइंग चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी, बट अ न्यू रिएक्टिव रेडिकल इज फॉर्म, लेकिन एक न्यू रिएक्टिव रेडिकल फॉर्म होगा अलोंग द साइड ऑफ अ पॉलीमर, उसी पॉलीमर मॉलिक्यूल के जो है ना उसी उसकी किसी भी साइड पे जो है ना एक रेडिकल, एक रिएक्टिव रेडिकल फॉर्म होगा जो कि इस काबिल होगा कि वहाँ से फ्रेश चेन जो है ग्रो कर सके, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ फ्रेश चेन फ्रॉम दिस साइड प्रोड्यूस अ ब्रांच पॉलीमर, अब जब ग्रोथ होगी ना उस पॉइंट से, उस रेडिकल रिएक्टिव रेडिकल पॉइंट से ना, तो एक फ्रेश चेन, जाहिर सी बात है रिएक्टिव रेडिकल है तो फ्रेश चेन वहाँ से ग्रो करेगी, जब ग्रो करेगी तो आप खुद सोचिए ब्रांच पॉलीमर बन जाएगा, तो चेन ब्रांचिंग इस तरह से ये कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, देखें ये कह रहे हैं कि चेन ब्रांचिंग जो होती है ना वो किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा ये देखें, ये ग्रोइंग चेन दी है, ठीक है, ये कह रहे हैं ना कि ग्रोइंग चेन अंडर गो चेन ट्रांसफर विद द पॉलीमर मॉलिक्यूल, ये हमारा एक डेड पॉलीमर चेन था, सॉरी ये जो है मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ, हाँ अब ठीक है, देखें ये एक डेड पॉलीमर चेन था हमारा, ठीक है, डेड पॉलीमर चेन मैं इसे क्यों कह रही हूँ आप बताएं मुझे, वीडियो को पॉज करें और फिर सोचें और फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करें। देखें डेड पॉलीमर चेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एडिशन पॉलीमराइजेशन के जो फोर्थ स्टेज हमने पढ़ी थी टर्मिनेशन के, टर्मिनेशन किस तरह से होती है, प्रोपगेशन स्टेज के बाद टर्मिनेशन में जब आएंगे तो किस तरह से ग्रोइंग चेन की टर्मिनेशन होती है, ये आप बताएं, मैंने आपको रीजंस बताए थे। देखें किस तरह से होती है,
फर्स्ट जो है या तो वो किसी एम्प्योरिटी या किसी सॉल्वेंट के साथ वो ग्रोइंग चेन रिएक्ट कर जाए, या क्या हो जाए किसी जो है या उसके मोनोमर एग्जॉस्टेड हो जाए, फर्स्ट तो मैंने ये बताया था, या किसी इनिशिएटर के साथ वो ग्रोइंग चेन जो है वो रिएक्ट कर जाए उसके साथ, तो उसकी क्या होगा उसके नतीजे में अगर इन चारों में से या पांचों में से किसी के साथ भी वो रिएक्ट करेगी तो क्या होगा कि वो उस मतलब आगे प्रोसीड नहीं करेगी, प्रोपिगेशन जो है आगे प्रोसीड नहीं करेगी और उस पॉलीमर चेन की क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। तो उस पॉलीमर को हम कहेंगे कि डेड पॉलीमर चेन है। डेड मीन मर चुका है, मतलब वो अब मजीद काबिल नहीं है कि वो आगे ग्रो कर सके, ठीक है। अच्छा अब देखें ग्रोइंग चेन, अब ये डेड पॉलीमर चेन था, ये ग्रोइंग चेन, अब ये ग्रोइंग चेन इसके साथ जो है मतलब एक पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रही है, जुड़ गई है, ठीक है, मतलब चेन ट्रांसफ़र कर रही है। ग्रोइंग चेन अंडरगो चेन ट्रांसफर विद अ पॉलीमर मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ जब इसने की चेन ट्रांसफ़र ना, तो देखिए जैसे इसने चेन ट्रांसफ़र की तो ये एक न्यू रिएक्टिव साइट बन गई इसकी, ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये एक न्यू रिएक्टिव साइट बन गई। ठीक है, सो ये डेड पॉलीमर एक ग्रोइंग चेन था जो कि एक पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ मिला, और मिलने से क्या हुआ कि उसका एक जो है न्यू रिएक्टिव साइट किसी भी साइट पे हो सकती है इस चेन के, तो ये देखिए बीच में यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो ये जब न्यू रिएक्टिव साइट है खुद बताएं, जब ये एक न्यू रिएक्टिव साइट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिव रेडिकल है, एक रिएक्टिव रेडिकल है, वो रिएक्टिव रेडिकल जो है मीन रिएक्टिव स्पीशीज जो है वो इस काबिल है कि वो दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करके जो है यहाँ पे एक चेन बना ले, एक फ्रेश चेन बना ले। तो सेम देखें प्रोपिगेशन हुई और ये रिएक्टिव स्पीशीज या रिएक्टिव रेडिकल इसने जो है मोनोमर के साथ मिल के यहाँ पे एक चेन बना ली, और इस तरह से आप खुद सोचें, अब ये देखें ब्रांच चेन बन गई ना, ये एक चेन थी और अब इसकी एक ब्रांच निकल रही है, तो इसको हम कहेंगे कि अब ये क्या है, ब्रांच चेन है, ठीक है। अच्छा तो ये ब्रांच चेन ब्रांचिंग में ये होता है, देखें डायग्राम शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ ब्रांच पॉलीमर चेन बाय चेन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे जो है सॉरी आसान हो रही है, मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ। सो बस ये चेन ब्रांचिंग थी जो मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया कि एक ग्रोइंग चेन है पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ, जब वो चेन ट्रांसफ़र करेगी तो एक न्यू रेडिकल रिएक्टिव साइड, ठीक है, न्यू रेडिकल साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टिव रेडिकल है या रिएक्टिव स्पीशी है जिसने मदीद मोनोमर के साथ रिएक्ट किया और ब्रांच चेन फॉर्म करी, तो इसे चेन ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रांच पॉलीमर चेन बाय चेन ट्रांसफ़र, किस तरह से चेन ट्रांसफ़र हुई आपने देख लिया है ये। सो ये मैंने आपको समझा दिया है 12.5 में देखने को कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा आगे चलते हैं, वो तो चेन ब्रांचिंग के बारे में आपने पढ़ लिया, अब हम क्रॉस लिंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग क्या है, क्रॉस लिंकिंग इज़ एकॉम्प्लिश बाय एडिंग क्रॉस लिंकिंग एजेंट टू द पॉलीमराइजिंग मोनोमर। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है कि इसमें मतलब एक हमें क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी हमें डालना होता है, ठीक है, देन जो है क्रॉस लिंकिंग पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन दीज एजेंट्स आर इनवेरिएबली डायफंक्शनल अल्कीन इन विच ईच ऑफ टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट इज एबल टू बिकम पोलिमराइज इनटू अ सेपरेट चेन थस इफेक्टिवली लिंकिंग टू चेन टुगेदर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम फ्री रेडिकल के केस में देखें, फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन के केस में देखें कि ये जो एजेंट होते हैं कौन से एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो कि क्रॉस लिंकिंग को पॉसिबल करते हैं, ठीक है, तो ये एजेंट क्या होते हैं, ज़्यादा डाय फंक्शनल अल्कीन होते हैं, तो ये जो है आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, ये आपने हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ, ठीक है। डाय फंक्शनल अल्कीन होते हैं ये, ठीक है, ये जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं किस में, फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन में, ये बात याद रखनी है, फ्री रेडिकल एडिशन पोलिमराइजेशन में जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायफंक्शनल अल्कीन होते हैं, जिसमें जो है दो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है दो डबल बॉन्ड है तो खुद सोचें ये क्या होगा, इज़ एबल टू बिकम पोलिमराइज इनटू अ सेपरेट चेन, ये मतलब इस काबिल होगा कि वो दो सेपरेट चेन में जो है फॉर्मेशन कर सके, ठीक है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, डाय फंक्शनल अल्कीन है ना। अच्छा टू चेन टुगेदर, देखें टू चेन टुगेदर मतलब सेपरेट चेन होगी, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है। मैं भी अभी आगे जो है ना आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, तो ये लिंकिंग टू चेन टुगेदर 12.6 में आप देख सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ टिपिकल क्रॉस लिंकिंग एजेंट एंड द वे इन विच दिस गिव क्रॉस लिंक पॉलीमर विच इज़ बिकम इन्वॉल्व पॉलीमराइजेशन रिएक्शन 12.6 में देखते हैं। देखें ये जो है डायफंक्शनल अल्कीन है, दो डबल बॉन्ड है ना, ठीक है। अब ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये सेपरेट चेन में करेंगे और दो हमारे पास क्या बनेंगे,
टू चेन बनेगी जो कि एक साथ होगी। ये डाय फंक्शनल अल्कीन था। अब बी में देखें इसने क्या कि ये जनरल फार्मूला है डाय फंक्शनल मॉलिक्यूल का जो कि कैपेबल होता है एक्टिंग एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ये ठीक है, ये आपने देख लेना है। अच्छा बी में देखें द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्रॉस लिंकिंग एजेंट इनटू टू पॉलीमर चेन कॉज लिंकिंग। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन है ना क्रॉस लिंकिंग एजेंट की इनकी, ठीक है, इनटू टू पॉलीमर, दो पॉलीमर चेन कॉजेज लिंकिंग, मतलब दो पॉलीमर चेन में ये जो है लिंक होता है इनकी वजह से। जाहिर सी बात है क्रॉस लिंकिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिंक करता है एक दूसरे को ना दो पॉलीमर चेन के दरमियान। तो ये देखें ये था ना डाय फंक्शनल एल्कीन। अब खुद यहाँ से भी मोनोमर्स अटैच हो रहे हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कहाँ पे थे हम, बिकम इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन 12.7 में ये कह रहे हैं कि आप देखें गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल डाइमिथाक्रिलेट द क्रॉस लिंकिंग एजेंट विच इज कॉमनली यूज फॉर मेथाक्रिलेट पॉलीमर। मतलब ये कह रहे हैं कि आप 12.7 में भी देख सकते हैं एक इथाइलीन ग्लाइकोल डाइमेथाक्रिलेट है जो कि क्रॉस लिंकिंग एजेंट है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है कि कौन से पॉलीमर में, मेथाक्रिलेट पॉलीमर में, जो कि मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन में पीछे दिखाया था। मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ, ये मेथाक्रिलेट पॉलीमर में इसमें जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज़ होता है ना वो कौन सा होता है, इथाइलीन ग्लाइकोल डाइमेथाक्रिलेट, जो कि ये आपको यहाँ पर दिखा हुआ है स्ट्रक्चर फार्मूला इसका, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा चेन ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग कैन हैव इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। ये कह रहे हैं कि चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं किस पर, जो प्रॉपर्टीज है पॉलीमर की उस पर। मोस्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन डेंटल मटेरियल में भी करेक्टराइज एज फ्री रेडिकल प्रोसेस। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो मोस्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं ना प्रोसेस जो डेंटल मटेरियल में होते हैं वो ज़्यादातर फ्री रेडिकल होते हैं, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं, ठीक है। अदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ चेन। और जो दूसरे मैकेनिज्म होते हैं मैंने आपको दो बताए थे, देखें अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एडिशन पॉलीमराइजेशन की तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी, तो काइंडली वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखेगा, ठीक है। मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो एट्रैक्टिव स्पीशी होती है वो दो तरह की होती है, एक फ्री रेडिकल होता है और एक फ्री रेडिकल इन नेचर होती है और दूसरी आयोनिक इन नेचर होती है, ठीक है। जो फ्री रेडिकल इन नेचर होगी, अगर आप फ्री रेडिकल इन नेचर वाली यूज़ कर रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में, फ्री रेडिकल इन नेचर क्या, एक्टिव स्पीशी, ठीक है। अगर आप वो एक्टिव स्पीशी जो है एट्रैक्टिव स्पीशी जो कि फ्री रेडिकल इन नेचर है वो यूज़ कर रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में तो वो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। और अगर आप आयोनिक यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कहलाएगा, आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो कि बेसिकली नहीं यूज़ करते हम, ज़्यादा फ्री रेडिकल करते हैं। अच्छा तो यही कह रहे हैं कि डेंटल मटेरियल में ज़्यादातर कौन सा प्रोसेस होता है, फ्री रेडिकल प्रोसेस होता है। फ्री रेडिकल प्रोसेस मीन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, मीन जो रिएक्टिव स्पीशीज यूज़ की जाती है वो फ्री रेडिकल इन नेचर यूज़ की जाती है, ठीक है। अदर मैकेनिज्म द ग्रोथ ऑफ चेन थ्रू आयोनिक स्पीशी। और जो आयोनिक स्पीशी मीन जो रिएक्टिव स्पीशी, अगर आयोनिक इन नेचर जो मैंने सेकंड बताई थी तो वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर हम ग्रोथ ऑफ चेन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सच है अगर हम किसी चेन की ग्रोथ करवानी हो तो देन हम आयोनिक स्पीशी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सच है जैसे कि एन आयंस हो गए या कैट आयंस हो गए और इस मतलब आयोनिक स्पीशी के तौर पर फिर हम ऑल्सो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आयोनिक स्पीशी सजेस्ट किस तरह क्या एनायन और कैटायन हम यूज़ करते हैं ग्रोथ ऑफ चेन के लिए, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा कैटायोनिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, जो कैटायोनिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है ना इन्वॉल्व वो क्या किस में इन्वॉल्व होता है, कैटायोनिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग एमाइंस एंड ऑक्सीजेंस ग्रुप में बी यूज टू प्रोड्यूस एडिशन पॉलीमर्स। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास कैटायोनिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो होते हैं ना वो उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, एमाइंस एंड ऑक्सीजेन ग्रुप, ये ग्रुप है ये आपने याद रखने हैं, एमाइंस एंड ऑक्सीजेन ग्रुप जो कि यूज़ होते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एडिशन पॉलीमर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि हम ग्रोथ ऑफ चेन के लिए आयोनिक स्पीशी यूज़ करते हैं जो कि क्या होते हैं, एनायंस और कैटायंस होते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि कैटायोनिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, अब आपने ये पूछना है कि यार रिंग ओपनिंग का क्या, रिंग ओपनिंग कहाँ से आ गया, तो बेटा मैंने आपसे कहा कि ग्रोथ ऑफ चेन, अब एक रिंग है, ये रिंग है,
ठीक है, सर्कल। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है इसमें। अगर मैं इसको रिंग ओपनिंग का मतलब मैं इस रिंग को ओपन करना चाह रही हूँ इस जगह से, जब मैं इस रिंग को ओपन करूँगी तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और ख़ुद सोचें जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा तो क्या समझ रहे हैं आप, ये मुझे बताएं, कौन बताएगा इसका मुझे आंसर। अगर ये लाइव लेक्चर होता ना तो काफ़ी मज़ा आता। तो मुझे बताएं कौन बताएगा ये इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बेटा इसमें ग्रोथ ऑफ, देखें चेन की लेंथ बढ़ गई ना, चेन की लेंथ बढ़ गई मीन ग्रोथ हो गई चेन की। यहाँ पे इतना सा जो था अब ये इतना ज़्यादा जो हो गया है, ठीक है। तो मतलब रिंग ओपनिंग से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ चेन में हम आयोनिक स्पीशी यूज़ करते हैं जो कि एन आयन और कैटाइन होते हैं, ठीक है। और कैटाइन रिंग ओपनिंग रिएक्शन, अब आपको ये तो समझ आ रहा था, कैटाइन तो मैम दीना ने बताया, लेकिन रिंग ओपनिंग क्या होता है, तो रिंग ओपनिंग पता है क्यों कह रहे हैं कि कैटाइन की के यूज़ से रिंग ओपनिंग रिएक्शन, मतलब कैटाइन रिंग ओपनिंग रिएक्शन में दो ग्रुप यूज़ किए जाते हैं, माइंस और ऑक्सीजेंस ग्रुप, या आपने याद रखने हैं जो कि यूज़ होते हैं एडिशन पॉलीमर्स में, ठीक है। मतलब ये दोनों ग्रुप्स और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन सिर्फ यही दोनों ग्रुप्स जो है किस में यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए एडिशन पॉलीमर्स को, ठीक है। द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइंस, अब जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होगी, मतलब ये एक पॉलीमर है, ये जो एक सर्कल है ना, मतलब एक रिंग सर्कल है, ये रिंग बना हुआ है, तो ये एक पॉलीमर है, ठीक है, ये पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, लेकिन ये एज राउंड है, ठीक है। और उसको जब हमने रिंग ओपनिंग किया तो ये इस तरह से आ गया। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइंस इज एम्प्लॉयड इन द सेटिंग ऑफ सर्टेन इंप्रेशन मटीरियल। अब मैंने आपको बताया, ये तो बता दी सारी कहानी, समझ आ गई होगी आपको। अभी जो एमाइंस मैंने आपको बताया कि माइंस ऑक्सीजेंस जो है ये ग्रुप्स हैं जो कि रिंग ओपनिंग को रिंग ओपनिंग करते हैं इससे, जिस वजह से ग्रोथ ऑफ चेन इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गया, सिंपल है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी डिटेल जो है ना इमाइंस की, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन जो होती है ना, ये हम पॉलीमराइजेशन में जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होती है ना उसमें इमाइंस जो होते हैं वो किस में एम्प्लॉयड होते हैं, वो सेटिंग ऑफ सर्टेन इंप्रेशन मटीरियल, जो इंप्रेशन मटीरियल हम इंशाल्लाह करेंगे, अभी तो नहीं किया शायद हमने, बल्कि नहीं किया, ठीक है। अच्छा, सर्टेन इंप्रेशन मटीरियल वो हम चैप्टर 16 में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इमाइंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में, किस तरह से वो रिंग को ओपन करते हैं, क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 में, जिसमें हम इंप्रेशन मटीरियल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें हम इमाइंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जबकि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑक्सीजेंस एंड क्लोजली रिलेटेड सिलोरेंस, ठीक है, ये मतलब ये इससे क्लोजली रिलेटेड है, ये दोनों यूज़ होते हैं न्यूली डेवलप्ड रेजोनेंस मैट्रिक कॉम्पोजाइट मटेरियल, ये आप चैप्टर 22 में पढ़ेंगे कि इसका जो सेकंड ग्रुप है ऑक्सीजेंस और ये सिलोरेंस जो कि क्लोजली रिलेटेड है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, रेजोनेंस मैट्रिक कॉम्पोजाइट मटेरियल में, जो कि हम चैप्टर 22 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने क्या याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है आपने कि भाई जो कहाँ मैं आपको बता दिखा दूँ ना, अभी के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है, एक तो मैंने बता दिया कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन मोस्टली यूज़ किए जाते हैं डेंटल डेंटिस्ट्री में, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया जो सेकंड जो था ना आयोनिक, जो मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ फ्री रेडिकल का बहुत डिटेल में पढ़ाया, क्यों, क्योंकि बेसिकली यूज़ ही यार वही होता है, जो यूज़ होता है वही पढ़ाएंगे ना हम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आयोनिक भी यूज़ होता है, लेकिन वो ग्रोथ ऑफ चेन के लिए हम यूज़ करते हैं, और जाहिर सी बात ग्रोथ ऑफ चेन के लिए जो यूज़ करते हैं ना आयोनिक स्पीशी, वो दो तरह की होती है, एक एनायोनिक, एक एनायन होती है, एक कैटायन होती है, ठीक है। आयोनिक स्पीशी मतलब एनायन कैटायन, ठीक है, ये यूज़ होती है। अब कैटायन, अब इसमें ग्रोथ ऑफ चेन किस तरह से होगी, कोई भी रिंग होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, आपने उसको ओपन करना है और उस तरह से उसकी जो है चेन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मीन ग्रोथ ऑफ चेन हो गई, ठीक है। सो उसमें कैटायन रिंग ओपनिंग में, कैटायन में उसमें एमाइंस और ऑक्सीजेंस ग्रुप होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एडिशन पॉलीमर्स को, ठीक है। अच्छा, और इसमें बताया कि एमाइंस आप पढ़ेंगे चैप्टर 16 में सर्टेन इंप्रेशन मटेरियल में यूज़ होता है, जबकि ऑक्सीजेंस और सिलोरेंस जो है वो जो है रेजोनेंस मैट्रिक्स कंपोज में यूज़ होते हैं। ये बस आपने यूज़ याद रखना है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना कि एमाइंस कहाँ पे यूज़ होता है इंप्रेशन मटीरियल में, ऑक्सीजेंस और सिलोरेंस कहाँ पे यूज़ होते हैं रेजोनेंस मैट्रिक्स कंपोज में, ठीक है। और इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे चैप्टर 22 में, देन फिर आपको वहाँ पे हम पूरी कहानी बता देंगे, हाँ मतलब मैं। अच्छा, आपकी फीचर ऑफ द रिंग ओपनिंग प्रोसेस, अच्छा इसका जो रिंग ओपनिंग प्रोसेस का जो है ना, इज डेट इज प्रोड्यूस अ स्लाइट एक्सपेंशन विच रिड्यूस द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन, ये बता दिया है मैंने, रिजल्टिंग फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ
मोनोमर मॉलिक्यूल टू पॉलीमर। देखिए मैंने आपको बताया जो रिंग बनी है ये एक पॉलीमर है, ठीक है, ये एक पॉलीमर है। जब मोनोमर कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, जाहिर सी बात है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में यही होता है, तो जाहिर सी बात है फिर क्या हो जाती है, बहुत बड़ी पॉलीमर की चेन बनती रहती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में वो एक रिंग लाइक दिखते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन है ना, जैसे कि ये रिंग है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है, ठीक है। तो हम एमाइंस का यूज़ करके या ऑक्सीडेंस का यूज़ करके, अलग अलग यूज़ है, कहाँ कौन यूज़ होता है बता चुकी हूँ, ठीक है। सो इस रिंग को हम ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे खुद, ये मैं अगर यहाँ से ओपन करूँगी ग्रुप्स को यूज़ करके जो ऊपर बताए हैं एमाइंस ऑक्सीडेंस, तो उसकी बदौलत, उसके ज़रिए अगर मैं इस रिंग को ओपन करूँगी, इस पॉलीमर रिंग को, तो ये एक स्ट्रेट चेन में आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगी, स्लाइट एक्सपेंशन हो जाएगी ना। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन थी, इसमें क्या था, इसमें थी कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी मेरी राइटिंग जो है शुरू से बहुत गंदी है, मैंने काफ़ी बार सही करने की कोशिश भी की लेकिन मुझसे सही नहीं हो रही। और फिर मुझे लास्ट में एक लड़की ने, वो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि यार तुम टेंशन क्यों लेती हो, आगे जाके डॉक्टर ही बनना है तुमने और डॉक्टर का तो पता है आपकी क्या राइटिंग होती है उनकी। और वैसे मैं राइटिंग ख़राब होने के बावजूद भी मैं कभी कंपटीशन में पीछे नहीं रही, फिर भी मैं जो है ना जो मुकाबले में जीत जाती थी, टॉपर रही हूँ मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो क्या था, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन थी और ये देखें स्लाइट एक्सपेंशन आ गई इसमें, इसमें क्या आ गई, एक्सपेंशन हो गई है। तो यही बता रहे हैं कि इसके नतीजे में क्या होता है, रिंग ऑफ प्रोसेस के नतीजे में कि प्रोड्यूस होती है स्लाइट एक्सपेंशन, ठीक है, और रिड्यूस कर देती है, ये रिड्यूस कर दी ना हमने थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन, जो रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, जो कि किसके नतीजे में बनी थी, जब हम मोनोमर मॉलिक्यूल पॉलीमर में कन्वर्ट होते तब कॉन्ट्रैक्शन आई थी, तो थोड़ी सी जो है मतलब रिड्यूस कर दी है कॉन्ट्रैक्शन, और स्लाइटली थोड़ी सी एक्सपेंशन भी हो गई है। सो ये जो है हमारा पूरा रिंग ओपनिंग का भी मैंने समझा दिया, इसमें एक क्रॉस लिंकिंग का था, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ क्योंकि आप जो है बिल्कुल वो हो गए होंगे, मैं मुझे पता है। देखिए मुझे खुद भी ये, मैं भी आप मतलब आपके साथ ही हूँ बिल्कुल, तो ये आप क्या समझते हैं, मुझे इतना आसानी से समझ आ गया, मैंने बहुत जो है पापड़ बेले इसके लिए। ये सिंथेटिक पॉलीमर मैंने रमज़ान में स्टार्ट किया था और अभी जो है मेरी थोड़ी इस पर ग्रिप होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने लैब में अपनी फ्रेंड को समझाया तो उसने कहा कि यार मुझे समझा दो यार, और मुझे तो बस जैसे कॉलेज का ऑफ हो मैं यूँ भागती हूँ कॉलेज से तो मैंने उसके कहा कि यार मैं वीडियो ज़रूर बना के भेज दूँगी लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकती, तो उस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अच्छा तो मॉलिक्यूलर वेट में तो यार कुछ भी नहीं था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ ऊपर से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा से समझाऊंगी। मॉलिक्यूलर वेट में क्या था कि यार हम पॉलीमर्स का जो है मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते, प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट कभी नहीं निकाल सकते, हमेशा जो है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकला जाता है। क्यों, क्योंकि यार मोनोमर जो है फैले हुए होते हैं, किसी में अभी एक्टिवेशन का प्रोसेस, कोई मोनोमर एक्टिवेशन के स्टेज पे है तो कोई प्रोपगेशन के स्टेप पे है, तो कोई टर्मिनेशन के स्टेप पे है, तो कोई इनिशिएशन के स्टेप स्टेज पे है, तो इस तरह से जो है वो वेरी करती रहती है पॉलीमर की चेन लेंथ, और देन खुद ही सोचे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ही निकलेगा। अच्छा चेन ब्रांचिंग में मैंने आपको क्या समझाया कि चेन ब्रांच, पहले तो मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो लीनियर पॉलीमर होते हैं, लीनियर का मतलब कि कोई ब्रांच नहीं निकली होगी, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। फिर मैंने कहा चेन ब्रांचिंग भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, मतलब अगर चेन ब्रांचिंग हम देखें कि अगर चेन ट्रांसफर जो ग्रोइंग चेन है वो चेन ट्रांसफर करती है पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ, तो उसकी जो है ये एक रेडिकल, मतलब ये ग्रोइंग चेन है ये पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो चेन ट्रांसफर कर रही है, तो यहाँ पे एक रिएक्टिव स्पीशी है और ये रिएक्टिव स्पीशी कैपेबल है कि यहाँ से जो है मोनोमर्स के साथ रिएक्ट करे और एक ब्रांच चेन बन गई, तो ये हमारी चेन ब्रांचिंग है, बस इसमें ये था। अच्छा और फिर मैंने आपको यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग में क्या बताया, क्रॉस लिंकिंग में हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, और फ्री रेडिकल एडिशन फॉर्मेशन कौन सा क्रॉस लिंकिंग एजेंट है अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया गया तो आपने क्या बताना है कि डाई फंक्शनल अल्कीन होते हैं, ठीक है, जो कि क्रॉसिंग एजेंट होते हैं, क्रॉसिंग डाई फंक्शनल अल्कीन, और जिसके बाद दो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और ये पोलीमराइज करते हैं इनटू अ सेपरेट चेन, ठीक है, सेपरेट चेन में पोलीमराइज करने के क्या होते हैं, काबिल होते हैं, जैसे कि ये देखें ये हमारे पास डाई फंक्शनल अल्कीन है, ये सेपरेट चेन जा रही है, सेपरेट चेन जा रही है, सेपरेट चेन जा रही है, ठीक है। सो यही कह रहे हैं कि क्रॉस लिंकिंग में ये होता है, और ये देखें यहाँ से लिंक है, क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है, लिंक करना, कनेक्ट करना, ये दो पॉलीमर चेन को कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी यही बताया गया है इनटू अ सेपरेट चेन की ये थस इफेक्टिवली लिंकिंग टू चेन टुगेदर। देखें ये टू चेन जो है लिंक हो रहे हैं,
दो पॉलीमर की चेन। तो क्रॉस लिंकिंग में बस यही है, और ये आपको एक बताया गया है कि हम जो मिथाक्रिलेट पॉलीमर में जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथाक्रिलेट। ये यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ओ सॉरी, लाइट चली गई। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि क्रॉस लिंकिंग जो है, ठीक है, तो मैंने आपको क्रॉस लिंकिंग का बता दिया, वो भी मैंने आपको रिवाइज कर दिया, और यहाँ पे बता रहे हैं कि या क्रॉस लिंकिंग एजेंट का बता रही थी कि ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथाक्रिलेट, जो कि मिथाक्रिलेट पॉलीमर में यूज़ किया जाता है। तो बस ये बातें आपने याद रखनी है। देखिए, मैं ऊपर से रिवाइज भी करवा रही हूँ, इतना डिटेल में समझाने के बावजूद मैं दोबारा से आपको ऊपर से रिवाइज करवा रही हूँ, तो ये मेरी हिम्मत है। काश जो है ना मुझे भी कोई इस तरह से करवा देता। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको फिर रिंग ओपनिंग की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई। क्रॉस लिंकिंग का समझ आ गया और मैंने रिवाइज करवा दिया, चेन ब्रांचिंग, मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं आपको रिंग ओपनिंग का बताती हूँ। अब मैंने बताया कि चेन ब्रांचिंग, क्रॉस लिंकिंग, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलीमराइज़ेशन में जो ज़्यादातर डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फ्री रेडिकल, ये तो मैं यार शुरू से बताती आ रही हूँ कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन जो है ज़्यादातर डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हाँ, आयोनिक फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो रिएक्टिव स्पीशी होगी वो फ्री रेडिकल इन नेचर होगी। अगर वो आयोनिक इन नेचर होगी तो वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ चेन के लिए हम वो आयोनिक स्पीशी यूज़ करेंगे जो कि एनायन या कैटायन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, कैटायन रिंग ओपनिंग रिएक्शन में अब ग्रोथ ऑफ चेन किस तरह से होगी। कैटायन रिंग ओपनिंग एक रिंग होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करेगी और स्लाइट एक्सपेंशन होगी जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ चेन इंक्रीज होगी। देखें, ये पॉलीमर था, कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस की और स्लाइट एक्सपेंशन हुई जिसकी वजह से देखें चेन लेंथ इंक्रीज होगी, मीन ग्रोथ ऑफ चेन पॉसिबल हो सकी। किस में? कैटायनिक रिंग ओपनिंग में। और दो ग्रुप्स आपने याद रखने, एमाइंस एंड ऑक्सीडेंस, ठीक है, ऑक्सीडेंस जो कि यूज़ होते हैं एडिशन पॉलीमराइज़ेशन में, एडिशन पॉलीमराइज़ेशन में ये दोनों आपने प्रोड्यूस करते हैं एडिशन पॉलीमर्स को, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइज़ेशन में फिर आपने याद रखना है कि एमाइंस कहाँ पे यूज़ होता है, ऑक्सीडेंस कहाँ पे यूज़ होता है। एमाइंस होता है इंप्रेशन मटीरियल लेने में, इन सेटिंग ऑफ सर्टेन प्रेशर, जो कि चैप्टर 16 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेंस और क्लोरोसिलिकेटेड सैलोनेंस जो है ये आप पढ़ेंगे डेवलप करने में रेजिन मैट्रिक कॉम्पोज मटीरियल, जो कि चैप्टर 22 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये पूरा जो मैंने 29 मिनट में आपको समझाया, मैंने आपको 5 मिनट में पूरा रिवाइज भी कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद मैंने आपको यही बताया कि इसमें साइटली कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइट एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है मोनोमर जब कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स में, तो पॉलीमर्स बन जाते हैं ना, तो उस पॉलीमर में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। तो वही सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, लाइक कर देना है और अपनी कीमती राय का इजहार जो है ना कमेंट बॉक्स में कर देना है कि आपको ये लेक्चर किस तरह से लगा। इसमें कोई भी ऐसी बात जो कि मतलब आप चाहेंगे मुझे बताना तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यार मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखना, ठीक है, और दुआ कीजिएगा कि मैं आपके लिए और भी लेक्चर अपलोड कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है लेक्चर अपलोड करना, लेकिन यार वो क्या करूं, ठीक है। बस आप अपनी दुआओं में याद रखा करें, ठीक है, आपकी दुआएं जो है मेरे लिए बहुत बड़ा कीमती है, साथ साथ बहुत बड़ा, और आपकी दुआओं से जो है आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ, ठीक है। ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है, आपकी मोहब्बत का ही नतीजा है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव्स एंड सपोर्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये जो है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट, चेन ब्रांचिंग, क्रॉस लिंकिंग, ये 2 मिनट में आपको जो है टीचर पढ़ा के चले जाते हैं। हमारे तो पूरे आधे आधे चैप्टर PPT के जरिए पढ़ा के चले जाते हैं, तो ये हाल होता है हर कॉलेज का, ठीक है। सो लेकिन मैंने क्या किया, बहुत टाइम लिया। अब ये जो टाइम लिया ना, ये सिर्फ आपका एक दफ़ा हुआ, मतलब मैंने इतना बताया कि आपकी वो ये चीज़ें जो है ना आपके जहन में जो है ना बिल्कुल फिट हो गई होंगी, ठीक है। वरना मैं चाहती तो इसको 2 मिनट में यूरफा दफ़ा कर देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ जाए, एक्यूरेट। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। सो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये कितना है, ये इतना है, ये इंशाल्लाह इतनी वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह।
ठीक है, सो यहाँ पे एंड करती हूँ. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा. अल्लाह हाफिज़.